अभी नहीं, पेज पे भी नहीं आ रहा अभी। आई गेस 1-2 मिनट में आएगा, जैसे वो शो ना शुरू हो जाएगा। अभी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वी आर नाउ लाइव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुधा है और आज फिर मैं हाजिर हूँ एक लाइव सेशन के साथ। और टॉपिक बहुत मजे का है, आप सबका इंटरेस्टेड टॉपिक है, सबको बड़ा शौक है इसके ऊपर बात करने का, क्योंकि सबका ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं कह लें, शौक भी कह लें, जो कहना चाहते हैं आप कह लें। आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुदस्सर अली, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो मैं चाहती हूँ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूअर्स। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मुदस्सर अली। आई एम बेसिकली फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट एंड मास्टर लाइफ कोच। इट्स बीन लाइक मोर देन 10 ईयर्स मैं खुद अटायर हूँ फिटनेस इंडस्ट्री में, और प्लस इसके साथ आई एम रनिंग फिटनेस प्रो स्टूडियो इन DHA फेज 6, प्लस आई एम सेटिंग एट उमर हॉस्पिटल एंड फैसलाबाद प्राइम केयर हॉस्पिटल। इसके साथ साथ हमारा एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमारा हमने कोचिंग करते हैं पूरे हजारों क्लाइंट्स के, हमने कोचिंग की उनकी हैबिट्स, उनकी डाइट, उनका न्यूट्रिशन हम चेंज करते हैं क्लाइंट्स की। सो दिस इज हाउ वी गोस, और आई फील हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। आई एम आल्सो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम एज वेल, के मरहम के प्लेटफॉर्म पे भी हम काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और मरहम ने मुझे इनवाइट किया। सो विद मरहम के साथ हमारी इस कोलैबोरेशन में हम लाइव सेशन आप लोगों के लिए रमजान की कुछ गाइडलाइन लेके आएंगे कि रमजान में अपने वेट को, डाइट को कैसे मेंटेन किया जाए। बिल्कुल, जी चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है हाउ टू लूज वेट इन रमज़ान एंड नॉट इन रमज़ान, क्योंकि हमारी लॉकडाउन की भी रूटीन चल रही है। तो हम काफ़ी सारे सवालों के बारे में इससे बात करते जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर और एक अनाउंसमेंट कर दूँ कि हम लोगों की जो है वो रमज़ान सीरीज स्टार्ट हो चुकी ही है, और हम डेली के हिसाब से एक एपिसोड जो है वो सीरी की एपिसोड हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको डेली के हिसाब से एक एपिसोड जरूर मिलेगी हमारी रमज़ान के हवाले से। तो हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ सवाल के साथ। तो सबसे पहला सवाल जिसके बारे में हमारा ये लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है कि हाउ टू लूज वेट इन रमज़ान, वी शुड डिस्कस इन डिटेल। तो जब लेटर ऑन लोगों के सवाल नीचे आते जाएंगे हमारे, तो वो हम कैसे पता चल जाए हमें वेट कैसे कम करना है, नंबर वन। और स्पेशली रमजान है, रमजान एंड ऊपर से लॉकडाउन है, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा लोग वैसे ही परेशान थे, स्ट्रेस थी, और रमजान में आपने जो वेट कम करने की, हम 4 से 5 जो स्ट्रेटजीज हैं, हम रमजान को डिवाइड करेंगे सहरी और इफ्तारी में, नंबर वन। फिर उसके अंदर वर्कआउट की रजीम कैसे लेके चलनी है, फिर सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या खाना है, फिर डिफरेंट तरह की लोगों की रजीम होती है। और उसमें एक और इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि रमजान की जो गाइडलाइन है डिफरेंट टाइम जोन में कैसे लोग फॉलो करते हैं। लेट्स सपोज हम पाकिस्तान में, हमारा 16 घंटे का रोजा है, 15 घंटे का रोजा है, बट आयरलैंड में उस यूके वाली साइड पे, देन उधर मिडिल ईस्ट साइड पे वी हैव द टाइम गैप, वहां पे लोगों के पास, हमारे पास 10 घंटे होते हैं, 8 से 9 घंटे एटलीस्ट हैं खाने के लिए, वहां पे लोगों के पास सिर्फ 5 घंटे है खाने के लिए, तो वो एक बहुत लंबा फास्ट जाता है। उस सिचुएशन में अगर आप इंटरनेशनली या ओवरसीज से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी अपने क्वेश्चन जो है नीचे लिख सकते हैं, ताकि हम उसको भी ट्रेस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आई गेस द न्यूट्रिशन, के आपने इफ्तारी और सहरी में कैसे खाना खाना है। हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि टिपिकल जो एक इफ्तारी होती है वो स्टार्ट होती है, जिसको हम नॉर्मली समोसे, पकौड़े, दूध, पानी, खजूरें, ये एक हमारा एक अच्छा दही फुल्कियाँ होगी आई गेस, तो ये हमारा एक देसी खाना होता है, अब इफ्तार जिससे होती है। तो एक चीज याद रखे, अगर तो आप रमजान में, पहला तो अपना फोकस, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, लोगों को कहता हूँ कि अपना फोकस जो है ना वेट लॉस से थोड़ा सा हटा के, वेट लॉस से हटा के अपना थोड़ा सा एस्पेक्ट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की तरफ आ जाए, मतलब तरावी को, नमाज को, अपनी रूहानियत को, अपनी सोल को उस तरफ थोड़ा सा रखें। उसमें आपकी इबादात हैं,
उसमें आपकी कुछ स्किल्स हैं, मतलब जो कि आपने रमजान से पहले कुछ लोगों के स्किल्स नहीं है, कुकिंग के स्किल्स नहीं है, तो या तो रूहानी इबादात को थोड़ा टाइम देने की कोशिश करें और कुछ स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करें जो कि आपके बाकी रूटीन के अंदर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ईद पे पत्ते लगें, फिर भी आप चाहते हैं कि ईद पे आपका अच्छा खासा जो है ना वेट भी कम हो जाए, स्लिम भी लॉन आपने पहनी है और ऑनलाइन आजकल शॉपिंग चल रही है कि लड़कियों ने लॉन आएगी हमने लॉन पहनेंगे, तो आपसे कुछ वेट भी आपका कम हो सकता है, लेकिन उसके अंदर आपने सबसे पहले एहतियात करनी है। और ये 2 दिन नहीं करनी, 1 दिन नहीं करनी, 3 दिन नहीं करनी, ये एटलीस्ट हफ्ते में 6 डेज करनी है और महीने में एटलीस्ट 25 डेज करनी है। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी होगी तो आपको एटलीस्ट ईद पे कुछ रिजल्ट्स नजर आएगा। लेकिन आपने 2 दिन फॉलो की, 5 दिन आपने वही खाया, फिर अगले हफ्ते 2 दिन फॉलो की या 3 दिन फॉलो की, 5 दिन आपने वही खाया, तो आपका रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो नंबर वन, इफ्तारी के अंदर आपने जो समोसे फुल्कियां दही बल्ले हैं वो खा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा क्लाइंट को हमेशा समझाता हूँ कि अगर आपको बर्निंग इशू है, स्टमक का इशू है, आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है और आपका फोकस भी है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, वेट कम हो, तो रमजान में एक तो दूध सोडा से राइट अवे दूध सोडा से अवॉइड करें। बहुत सारे लोग हमारे दूध पीते हैं, दूध बहुत अच्छी चीज है, एक हेल्दी सुपर फूड है, लेकिन होता यह है कि हम दूध सोडा चढ़ाते हैं, समोसे फुल्कियां खाते हैं और हमारा पेट फुल हो जाता है। ठीक है, जब वो पेट, या एक ऑप्शन लोग ये करते हैं, समोसे पकौड़े ये सब कुछ खाते हैं और 15 मिनट के बाद 3 से 4 या 5 गिलास पानी पीते हैं क्योंकि प्यास बहुत लगी होती है, तो वो समझते हैं कि यार बस फुल हो गया, नमाज पढ़ी, और डायरेक्ट जाके लोग कहते हैं या तो हम सहरी में खाना खाएंगे या बाद में लाइट स्नैक ले लेंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इफ्तारी के टाइम पे पानी ज्यादा पीने से नंबर वन अवॉइड करें, नंबर टू दूध छोटा दूध की किसी भी फॉर्म लेने से अवॉइड करें, नंबर थ्री समोसे पकौड़ियां या फ्राइड आइटम इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले ले, ज्यादा न ले। मैं तो आज अभी तक मैंने रोजे हो गए हैं, मैंने कोई समोसा पकौड़ा इस तरह की चीज नहीं खाई। नंबर अब खाना क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है। पानी जो है, सबसे पहले पानी इफ्तारी में आप पानी 1 या 1/2 गिलास या 1.5 गिलास, इससे ज्यादा गिलास ज्यादा ना पिए। पूरे जग पानी के नहीं चढ़ाने आपने, ठीक है, सबसे पहले पूरे पानी के जग नहीं चढ़ाने के बस पानी पिए जाओ, प्यास लगी हुई है, सबसे पहले नहीं करना। 1 से 1.5 गिलास पानी पिए, साथ में आप डेट्स ले सकते हैं। मेरी वाइफ क्या करती है, अपने डेट्स के अंदर थोड़ी सी नट्स डाल के ले लेती है, मिक्सिंग कर देती है, साथ में डेट्स होती हैं, साथ में एक फ्रूट का सैलेड का एक बाउल ले लें। अब फ्रूट्स डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि जिन लोगों को डायबिटीज है तो वो फ्रूट्स के अंदर बहुत ज्यादा बनाना से अवॉइड कर लें, ग्रेप से अवॉइड कर लें, दे शुड गो फॉर एप्पल ले लें, रेड अनार ले लें, थोड़े से सिट्रस फ्रूट हो गए वो ले लें, स्ट्रॉबेरीज आजकल बहुत अच्छी आई हुई हैं वो ले लें। अब अपने फ्रूट का बाउल लिया, साथ में ये 3-4 चीजें ली, हेल्दी एक अपनी बॉडी के अंदर डाइट। देखिए डाइट का मकसद ये है, ये लेने का मकसद ये है कि आपकी बॉडी 15-14 घंटे फास्टिंग से गुजरती है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह के हम लाहौर में, लाहौरी जो स्पेशली है लोग रोजे रख रहे हैं वो नाम के रोजे हैं। देखो आजकल कोरोना है, लॉकडाउन है, हम सारी सहरी के बाद सोते हैं और 12-1 बजे उठते हैं और सारा दिन कुछ करने के लिए है नहीं और 5 घंटे बाद हम इफ्तारी कर लेते हैं और फिर भी हमें इतना हो रहा होता है कि पता नहीं हम खा दें कितनी भूख लग रही होती है। जो एक्चुअल रोजे की स्पिरिट है, जो रोजे की एसेंस है, वो तो इसकी वजह से हम वो कर ही नहीं रहे हम, ठीक है, सारा दिन फ्री है और कुछ भी नहीं है और फिर भी हम ये करेंगे यार हमें बहुत भूख लगी हुई है, बहुत ऐसा कुछ है, हमसे कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल हो सकता है लेकिन आप डेली अपना गोल सोचें। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इफ्तारी में ये आपने कर लिया, फिर आपने नमाज पढ़ी, ठीक है, आपने लाइट से नमाज पढ़ी उसके बाद लाइट सा मील। अब 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या तो आप इफ्तारी करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद एक खाना खा ले, एक ये ऑप्शन है, या इफ्तारी लाइट सी करें बिल्कुल फ्रूट के और साथ ही अपना एक मील ले, ठीक है, वो खाना खा ले। उस खाना खाने में नॉर्मली काम करते हैं हमारे यहाँ पे रोटी चावल या पास्ता या कबाब, उसके बगैर गुजारा नहीं होता। आई डोंट से कि आप राइट वे इसको बंद कर दें, मैं हमेशा कहता हूँ कि रोटी को जो है ना आपका पोर्शन थोड़ा कम कर लें, उसके अंदर 20-25% आपकी रोटी या चावल हो, ठीक है, जैसे कि बहुत छोटा सा पोर्शन हो, हाफ जो चपाती ले लें, 1/3 ले लें, चपाती का पोर्शन कम कर लें वो लें, साथ में उसकी जगह राइस ऑप्शन है, पास्ता ऑप्शन है, या मैं समटाइम पोटेटो भी खा लेता हूँ, बॉइल्ड पोटेटो भी खा लेता हूँ, साथ में आप कोई भी मीट, चिकन, दाल, लेंटिल्स, मसर, इनका आप कोई ग्रेवी में ले लें तो बहुत अच्छी बात है। स्टीम ग्रिल में अगर ऑप्शन है या बारबेक्यू ऑप्शन है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्योंकि घरों में आप स्पेशली अगर कुकिंग आपको मसला है तो नॉर्मल ग्रेवी, उसके अंदर शोरबा या ऑयल थोड़ा सा कम करके आप ये साथ में ले लें और साथ में आपने थोड़ा सा कुछ ना कुछ अच्छा फ्रूट जो है ना या मीठा या खाने के बाद आपने बिल्कुल नहीं खाना।
हमारे यहाँ लोग होते हैं वो कहते हैं कि खाने के फौरन बाद जो है ना हमें मीठा चाहिए या हमें वो क्रीमी गोरी होती है। असल में होता ही है कि आप जब खाना खाते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी फ्राइड आइटम्स होते हैं ऑलरेडी, अगर तो आपने तीन दो मसले होते हैं, अगर इफ्तारी में आपने समोसे पकौड़े खाए होंगे और लस्सी और दूध पिया होगा और उसके बाद आप मीठा खाएंगे तो आपकी बढ़नी की शिकायत बहुत ज्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि आपको खाने के अंदर प्रॉब्लम इसलिए आएगी, डाइजेशन करने के अंदर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो एक अनहेल्दी फैट्स के ऊपर चल रही है जिसको प्रॉपर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो कि उसको जरूरत है। अगर आप खाने के अंदर खाएंगे कि खाने के फौरन बाद रोटी चावल, दो रोटियां खा ली, दो चपातियां, साथ में बड़ी प्लेट चावल की खा ली है, एक हैवी आपने खाना खाया, साथ में फ्रूट या मीठा खाना शुरू कर दिया, तो आपकी ब्लड शुगर बहुत रेज हो जाएगी, इसकी वजह से आपका वेट गेन भी होगा, आपकी ग्लूकोज इंटॉलरेंस जो है ना वो बड़ी कम हो जाएगी। तो एंड पीपल डू टेंड टू गेन वेट जस्ट बाय ईटिंग मीठा, बहुत ज्यादा मीठा खाने के फौरन बाद। ठीक है, उसमें इट डिपेंड के वो खाना उनका क्या, अगर खाना भी हेल्दी नहीं है और खाने के बाद वो मीठा भी बहुत ज्यादा खा रहे हैं तो वेट गेन होगा। तो दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने ये नहीं खाना, इफ्तारी के फौरन बाद अपना लाइट सा मील लें। ठीक है, अब लाइट सा मील लिया इस सिचुएशन के अंदर, उसके बाद आपने पानी का इंटेक आता है, जो कि नॉर्मली मैं क्लाइंट्स को बताता हूँ कि जो पानी का इंटेक है वो अपना अब शुरू करें। यहाँ से हम क्या करते हैं कि पानी का इंटेक इफ्तारी में 5 गिलास पी लेते हैं और समझते हैं कि हमें बहुत प्यास लगी, ऐसा नहीं करना। आपने इफ्तारी के टाइम कम पानी पिया, खाने के साथ थोड़ा सा कम पानी पिया, और फिर वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है टिल सहरी। टिल सहरी तक आप पानी जो है वो 2 गिलास, क्योंकि आपके पास अगर ऐसे कंट्री में है, पाकिस्तान में है तो आपके पास 8-9 घंटे हैं, अगर आप बाहर हैं तो आपके पास कम घंटे हैं, अगर तो पाकिस्तान में है तो हर घंटे 2 घंटे बाद 1 से 2 गिलास पानी, हर घंटे के बाद 1 से 2 गिलास पानी। वंस आप ये रूटीन स्टार्ट करें, आपकी सहरी से लेकर अफ्तारी से लेकर सहरी तक आपकी एटलीस्ट 10 से 12 ग्लास की जो एक रूटीन है वो कंप्लीट हो जाएगी। आई गेस इसमें आपने देखिए अफ्तारी भी कंप्लीट होगी, इसके अंदर हमारी डिहाइड्रेशन जो कि पानी की कमी थी वो भी पूरी होगी। लाहौर ये आजकल तो मुबारक हो उनको, पाकिस्तान वैसे तो एक तरह से अच्छा ही है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि अब आपकी इफ्तारियां सहरियां बाहर नहीं हो रही, ये सब के, वरना तो हम सब लोग इस टाइम वेट कर रहे होते हैं कि बाहर से इफ्तारी करें, बाहर से सहरी करें, और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा वेट इतना, हम फूल किए हुए हैं। ठीक है, इस वेरी गुड टाइम कि आप घर पे रहते हुए कोरोना और लॉकडाउन में अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ, इन सबको अपनी अच्छी डाइट को मेंटेन करते हुए आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं और हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ठीक कह रहे हैं आप। सो आई थिंक आपने काफी ज्यादा क्वेश्चन हमारे कवर कर लिए हैं जो हमारे ऑडियंस ने नीचे पूछना शुरू किए हैं या आगे जिन्होंने पूछने हैं हमसे सवाल। आपने हमसे अफतारी का डिस्कशन किया, कौन से फूड आइटम्स को हमने खाना है, कौन से फूड आइटम्स को अवॉइड करना है, कौन से पोर्शन हमने कितने लेने हैं, ये काफी सारी डिस्कशन हो गई। लेकिन हमने शायद आपने एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं की, सो आई वुड लाइक कि हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में भी बात करें कि कौन सा सुटेबल टाइम होता है जो एक्सरसाइज करना चाहिए अफ्तारी के बाद, सहरी से पहले, या कौन सा ऐसा टाइम होना चाहिए जब आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेनी चाहिए फॉर योर वेट लॉस। हाँ, ये एक बड़ा अगेन बहुत सारे जो लोग जो कि रमजान से पहले एक्सरसाइज करते आ रहे थे, जिम बंद हो चुके हैं, हमारा खुद अपना जिम बंद हो गया था, तो आई कैन फील योर पेन कि एक्सरसाइज करने के लिए बाहर नहीं जा सकते। लॉकडाउन बिल्कुल सिचुएशन कोरोना की सबसे पहले कैसी आ गई हुई है कि आपको बाहर जाना जो है ना वो सबसे ज्यादा एक मतलब पॉलिटिकली भी देखा जाए और एक एथिकली भी देखा जाए तो मना किया जा सकता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग दे आर टू डिफरेंट थिंग, मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो उस सिचुएशन में एक्सरसाइज जो है अब ऑप्शन ही एक ही रह गई है कि घर पे रह के कर। ठीक है, या तो आपके घर के बाहर कोई स्ट्रीट है तो वहां पे जाके कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू कि घर पे रह के हो सकती है, और तो बिल्कुल थर्ड सिनेरियो ये होता है कि उसको डिवाइड कैसे किया जाए, किस टाइम की जाए। तो अब नॉर्मली सिचुएशन में आपने ये करना है कि आप देखिए चार टाइमिंग्स हैं, नॉर्मली 3 to 4 टाइमिंग्स हैं एक्सरसाइजेस की। ठीक है, मैं इन चारों को थोड़ा रेगुलेट करता हूँ, बताता हूँ, फिर उसके फायदे और नुकसान भी बता देता हूँ ताकि आप उसके मुताबिक करें, क्योंकि एक एक रूटीन एक बंदे पे अप्लाई नहीं की जा सकती, या एक पे नहीं हम कह सकते कि आप ही फॉलो करें। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी मेल्स हैं, ठीक है, मील्स, ये जो कॉन्सेप्ट है कि फास्टिंग में आपने करना एक्सरसाइज, ठीक है, फास्टिंग से मुराद आपने सहरी रखी, 12-1 बजे उठे, आपने एक्सरसाइज की, जिम किया, और अब 5-6 बजे, 6 बजे के 6:30
ईमेल को कभी भी सजेस्ट नहीं करना, नंबर वन, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जितनी भी ये फीमेल सुन रही है वो फास्टिंग स्टेट के अंदर, आई थिंक आप आपकी आवाज म्यूट हो गई है। अब आ रही है आवाज? यस यस वाह, अब ठीक है। मुझे बीच में ना कॉल्स बार बार आई जा रही हैं जिसकी वजह से आई गेस प्रॉब्लम हो रही है। तो अब अच्छा, फास्टिंग के दौरान आप एक्सरसाइज जब करते हैं, मैं उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करता। फास्टिंग में फीमेल कभी फास्टिंग में इफ्तारी और सहरी के दरमियान जो जिसमें रोजा होता है, एक्सरसाइज या वॉक से अवॉइड करें। मेल्स, जो यंग मेल्स हैं, जो इनकी एज ऑलमोस्ट 20 से लेकर 25 के दरमियान है, वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनका बाहर काम पे नहीं जा रहे, जिनका बाहर कोई एक्टिविटी नहीं है, सारा दिन घर पे हैं, सो के उठ रहे हैं, 12-1 बजे आप सो के उठे, 2-3 घंटे काम किया और साथ इफ्तारी का टाइम हो गया, ठीक है, ये आपने रोजा इंजॉय किया, ठीक है, रोजा इंजॉय मतलब आपकी डाइट चल रही है। उस सिचुएशन के अंदर आप एक काम करेंगे, आप इफ्तारी से पहले जो है ना कोई वॉक एक्सरसाइज कर लेंगे घर पे, ठीक है, एक तो सिचुएशन। दूसरा जो टाइम है एक्सरसाइज का, वो एक ये है जो कि अपने क्लाइंट को मैं कहता हूँ कि इफ्तारी करें लाइट सी, इफ्तारी के बाद लाइट सा फौरन मील लें, नमाज पढ़ें, साथ ही कोई एक्सरसाइज या वॉक कर, ठीक है, और उसके बाद फौरन बाद जो है ना अपना मील लें, मतलब आपने लाइट से इफ्तारी की, आपने स्नैक लिया, नमाज पढ़ी, एक्सरसाइज या वॉक की और साथ में कर ली आपने मेन मील खा लिया, ठीक है। अगर आप तरावियां पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग तरावियां पढ़ रहे हैं, अगर 8 पढ़ रहे हैं या 10 पढ़ 20 पढ़ रहे हैं, तो कोशिश ये करें घर में रहकर अगर तरावियां पढ़ें तो फिर आप एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि एक्सरसाइज और तरावियां दोनों डबल एक्सरसाइज आपकी बॉडी के ऊपर हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट जो है नहीं जाएगा। सो आई डोंट सजेस्ट कि अगर तरावियां पढ़ें तो अपना एक्सरसाइज या वॉक भी करें। तीसरा जो टाइम है वो टाइम है कि सहरी से पहले, जो कि आपने, मैं नॉर्मली सबको हमेशा बोलता हूँ कि तीसरा टाइम है वो सहरी से पहले आप वॉक कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये तीन टाइम टेबल जो है ना वो नॉर्मली मैं या तो इफ्तारी से पहले एक टाइम है वो, लेकिन कम लोगों को सजेस्ट करता हूँ, या इफ्तारी और सहरी के दरमियान एक टाइम है, और तीसरा टाइम जो है वो सहरी से बिल्कुल पहले। अब एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंदर से क्या करें, किस टाइम करें, कैसी करें। तो अगर तो आप बिगनर हैं इस टाइम घर पे रहते हुए, कोशिश करें स्टार्ट विद द वॉक। अगर घर पे आप अब बिगनर्स हैं, आपने कभी वॉक एक्सरसाइज नहीं की, तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करें, जिसको हम साइकिलिंग बोल सकते हैं। घर पे अगर आपकी साइकिल मौजूद है, आप तो आजकल बहुत ज्यादा लोग साइकिल खरीदना शुरू हो गए, हमें इधर DHA में हर कोई फीमेल्स भी बहुत ज्यादा लोग भी फैमिली के साथ साइकिल लेके और निकल रहे होते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। साथ में अगर घर में ट्रेडमिल है तो आपकी ट्रेडमिल उधर ही हो सकती है। 20 से 30 मिनट एटलीस्ट डेली स्टार्ट करें, और 45 मिनट तक बिगनर जो हैं जिन्होंने कभी पहले वॉक एक्सरसाइज का इतना मोमेंटम नहीं है, तो 1/2 घंटा 45 मिनट वो वीक में 4 डेज एटलीस्ट जो है ना रमजान में करें। जिन लोगों की 3-4-5 साल से एक्सरसाइज करने की रूटीन है, वो लोग जो है वो अपनी रूटीन के अंदर 1 घंटे में के अंदर सप्लीट कर सकते हैं, 1 घंटा यहाँ तो एक्सरसाइज कर ले या 1.5 घंटा वॉक कर ले, दूसरा ऑप्शन है वो उसको डबल कर ले। वो लोग जिन्होंने 3-4-5 साल से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, वो लोग 30 मिनट एक्सरसाइज और 30 मिनट जो है ना जॉग या वॉक, दोनों कॉम्बिनेशन जो है ना अच्छा रहता है, ये कर सकते हैं, लेकिन खाने से पहले कर सकते। आई होप के अच्छा ठीक है। सो बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस जो कि हमारे यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं, मैं एक छोटा सा आप लोगों के साथ 1-to-1 में अपने हर लाइव सेशन में करती हूँ, एक छोटा सा मैसेज आपको देती हूँ कि प्लीज अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें और इस पेंडेमिक के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन रखें और घरों से बिला वजह बाहर मत निकलें। जरूरत के वक्त सिर्फ एक घर का फर्द हो जो घर से बाहर निकला करे, बाकी सब घरों में रहा करें। प्लीज इसको बहुत सीरियस लें, ये कोई छोटा सा मसला नहीं है, काफी बड़ा मसला है और हमें ना सिर्फ अपनी और अपने घर वालों की भी केयर करने की जरूरत है। अगर आप लोगों को किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन चाहिए, आपको हॉस्पिटल विजिट नहीं करना चाहिए अंटिल और अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, आप घर बैठे ही मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। हर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पे,
तो आपको जब भी जरूरत हो मैम, हम तो प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी कंसल्टेशंस के लिए. वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. तो हम लोग के पास क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो चुके हैं. वी हैव अ सिचुएशन हियर. वेट इज 127 किलोग्राम. वांट टू लूज वेट ऑन डाइट फ्रॉम 20 डेज. क्विट शुगर एंड फैट. प्लीज गाइड प्रॉपर फॉर रमजान. हाइट इज 6.2 फीट. जी बिल्कुल, उमर खालिद ने आई गेस क्वेश्चन जी पूछा है। बिल्कुल, ठीक उमर खालिद ने आपसे है, सवाल. उमर, अच्छा दो चीजें हैं कि उमर विद दिस वेट 127 kg वेट लूज डाइट फ्रॉम 20 डेज, अच्छा आप 20 डेज पे डाइट के ऊपर, ऊपर से रमजान आ गया। आई होप कि रमजान में इफ्तारी में क्या लेना है आपने और एक्सरसाइज या वॉक कैसे करनी है। हमने पहले हमारे जो था सेक्शन था उसके अंदर हमने इसको काफी हद तक जो है वो एड्रेस कर दी, आप उसको दोबारा एक दफा सुन लीजिएगा। और उसके अंदर एक और चीज उमर याद रखो कि अपनी डाइट के अंदर रमजान के अंदर आपने ज्यादा एक्सरसाइज ज्यादा डाइट के ऊपर फोकस नहीं करना। उसकी वजह ये है कि आप ज्यादा डाइट ज्यादा उसके ऊपर फोकस करोगे तो आपका वेट जो है ना वो तो अगर कम हो ही जाएगा, लेकिन साथ में आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो आप फेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं, आपकी जो फैट है स्किन लूज होना शुरू हो जाएगी, जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको भी कंसिडर करना। सो जैसे मैंने पहले बताया कि इफ्तारी में आपने क्या खाना है, आप उसमें एज ए मेल अपने पोर्शन जो है वो डबल कर लो। मैंने हाफ रोटी बताई थी, आप एक रोटी कर लो। आप अपने नट्स की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ा दो, आप पानी का इस्तेमाल वैसे ही करो। और इसके अलावा आई गेस इनका जो क्वेश्चन है वो इफ्तारी में क्या खाना है वो हमने एड्रेस कर लिया। हम नेक्स्ट कर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे ना तो वो ज्यादा हम तरीके से लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि जिन जिनके हमारे यहाँ पे कमेंट्स आए हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट स्किप हो गए हैं, सो डोंट वरी. आप लोग, रियलाइजेशन खत्म होगा, हम इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे. ये फेसबुक पे जहाँ हम लाइव जा रहे हैं यहाँ भी मौजूद है. तो जैसे रियलाइजेशन खत्म होगा आप दोबारा से इसे वॉच कर सकती हैं. तो आपको शुरू के अंदर पता चल जाएगा कि आपका इम्पोर्टेंट पार्ट जो भी था वो आप देख सकती हैं, दोबारा सुन सकती हैं. तो हम लोग के पास परेशान स्पेसिफिक, हाँ परेशान नहीं होना. अच्छा, हम लोगों के पास ना आगे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो कि हाउ मच डेट उम्र वी कैन हैव. अच्छा जी इनका उम्र का एक क्वेश्चन बीच में एक और भी था, शुगर एंड फैट, उन्होंने क्विट किया हुआ है शुगर एंड फैट। ठीक है, अच्छा दो चीजें याद रखें, लोग जब बात करते हैं शुगर और फैट क्विट करने की, क्या फैट खाने से जी बंदा मोटा होता है, शुगर खाने से बंदा मोटा होता है, दो चीजें हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि शुगर कट आपने बिल्कुल नहीं करनी, शुगर की बेहतर जो फॉर्म है उसके ऊपर चले जाएं जिसके अंदर क्वालिटी ऑफ ओके शुगर है जो कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। डेली शुगर आप बिल्कुल बंद करना बिल्कुल अच्छी अलामत नहीं है, आपने शुगर लेनी है लेकिन कम डोजेज के अंदर और हेल्दी। जैसे कि व्हाइट शुगर की जगह आप स्टीविया ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, वो भी शुगर है लेकिन अगेन द बेहतर क्वालिटी। नंबर उससे बेहतर आपने जाना तो फ्रूट्स के ऑप्शन है या कॉम्प्लेक्स जो हमारे कार्ब्स हैं, अगर रोटी रोटी चावल की जगह आप होल ग्रेन ब्रेड लेते हैं, होल ग्रेन पास्ता लेते हैं, आप पोटेटोज लेते हैं, आप होल ग्रेन ब्राउन राइस ले लेते हैं तो वो बेहतर ऑप्शन है। फैट की जहां तक बात की जाए तो फैट में भी आपने फैट को बंद नहीं करना उमर के, राइट वे आपने फैट खाना बंद कर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट, वन इज हेल्दी वन इज अनहेल्दी। सिंपल फॉर्म में बताता हूँ, सो फैट जो कि नॉर्मली प्रोसेस फैट है, जो कि हमारा कुकिंग ऑयल्स हैं, अब बेकरी की आइटम्स हैं, जो उनके अंदर फैट होता है वो हेल्दी नहीं होता। लेकिन जो फैट नट्स सीड ऑलिव ऑयल ओमेगा थ्री जो हमें नट्स वॉलनट्स से मिलते हैं वो अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। फैट और शुगर बिल्कुल कट ना करें, बल्कि फैट और शुगर के हेल्दी जो चीजें हैं वो ऐड अप करें, उससे आपका वेट जी जल्दी कम होगा। ठीक हो गया. आई थिंक वी आर गुड टू गो विद उमर नाउ. हाँ सही हो गया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. लुबना ने पूछा है कि हाउ मच डेट्स वी कैन हैव एट इफ्तारी टाइम प्लीज. इज देयर एनी लिमिट फॉर डेट्स? वेट्स का, अच्छा लुबना का क्वेश्चन कहाँ पे है, लुबना इफ्तार के टाइम कितनी डेट्स ले सकते हैं, कितनी देर वॉक कर सकते हैं, राइट? लुबना का नहीं नहीं क्वेश्चन था ये। हाँ, उनका एक डेट से रिलेटेड भी है और नीचे लेटर ऑन शी आस्क्ड अबाउट द वॉक एज वेल. अच्छा डेट्स में आप बाकी सब लोग सुन लें कि अगर आपको शुगर की शिकायत नहीं है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, तो फिर तो आपसे 3 से 4 डेट्स ले सकते हैं इजीली। डिपेंड ऑन करता है कि आप दो किस टाइम ले लें, एक ही टाइम 4 5 ना खाएं, 2 टाइम इफ्तारी में खा लें, 2 टाइम आप बाद में खा सकते हैं अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो। मैं अपनी शुगर की क्रेविंग नॉर्मली 1.5 से ही पूरी करता हूँ। अगेन जिस तरह वो उमर कह रहे थे कि शुगर बिल्कुल कट डाउन की है लेकिन 1.5 के अंदर अगेन शुगर होती है लेकिन थोड़ी सी बेहतर होती है, तो मुझे क्रेविंग जोन तो मैं 3 से 4 शुगर ले लेता हूँ। फीमेल्स के लिए 2 से 3 डेट्स ज्यादा से ज्यादा ले ले, और 1.5 के अंदर नट्स डाल लें। एक बड़ा अच्छा वो एक हमारे यहाँ बड़ी एक नोबल सी
बनती है डेट्स के अंदर, अक्सर आपने देखा काजू या वो डाल लेते हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो वो 2 से 3 ले लें और डिफरेंट टाइम के अंदर। और वॉक की टाइम उन्होंने क्या क्वेश्चन किया, कितनी देर बाद वॉक इफ्तार के, अच्छा ये सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इफ्तार के कितनी देर के बाद हम वॉक कर सकते हैं। उसके अंदर नॉर्मली यह है कि एटलीस्ट 20-15 मिनट के बाद आप कर लें। अगर तो आपने इफ्तारी में लाइट सा 2-3 डेट्स खाई हैं, पानी पिया है और सॉरी फ्रूट खाया है, तो उसके 15 मिनट के बाद वॉक करें। अगर आपने इफ्तारी में खाना खाया है तो कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद वॉक करें, फौरन बाद वॉक न करें। अब वॉक का मतलब हमारे यहाँ ये होता है, अब लोग इससे मतलब कुछ लोग लेते हैं कि 15 मिनट वॉक वो चहलकदमी होती है, वो वॉक नहीं होती। वॉक का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर रूटीन होती है, उसको हम कंसिडर करते हैं वॉक। अगर तो आपने चहलकदमी करती है तो वो खाने के फौरन बाद भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। प्रॉपर वॉक आप 1-1.5 घंटे के बाद, खाने के बाद। ओके ठीक हो गया। सो हम लोग का जिन्होंने आगे लेटर ऑन एक सवाल पूछा हुआ है माकुल ने, कितने टाइम बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए आफ्टर इफ्तारी, तो वो सवाल भी आ गया था, यहाँ पे कवर हो चुका हुआ है। और उसके बाद अब हमारे नेक्स्ट सैरीज का क्वेश्चन है कि कितना फ्रूट ले सकते हैं इफ्तार में, एंड खजूर का भी उन्होंने पूछा था। अच्छा फ्रूट जो है, अगेन फ्रूट के अंदर मैं हमेशा क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि फ्रूट जो होते हैं, एक बड़ा डिबेट आती है कि फ्रूट जो है वो शुगर है, फ्रूटोज है, ये है। अगर तो आपको अगेन पीसीओज हेल्थ इश्यूज नहीं है, अगर तो आपको पीसीओज है, हेल्थ इश्यूज हैं काफी ज्यादा है, डायबिटीज है, तो फ्रूट को थोड़ा सा सिलेक्टिव वे में करें, जिसके अंदर बनाना को थोड़ा सा अवॉइड करें, ग्रेप्स अवॉइड करें, उसकी जगह आप ऐसे फ्रूट्स लें जिसके अंदर शुगर तो होती है लेकिन उसके अंदर फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट और अदर न्यूट्रिएंट जो है ना वो भी हमें मिल जाते हैं, जैसे कि रेड अनार हो गया, पीचीज हो गए, हमारे पास पपाया हो गया, अमरूद हो गया, लुकाट होगी, और फिर इसके साथ साथ एप्पल हो गया, और ऑरेंजेस हो गए, और वाटरमेलन जैसे आपने देखा, इनके अंदर थोड़ा सा हमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, फाइबर ज्यादा है, और हमारी जो शुगर लेवल वो भी मेंटेन रहती है, तो इनका कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। ओके सो एक मैं यहाँ पे अभी क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हम लोग स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं ड्यूरिंग योर, जैसे जब जब एक इंसान जो उसने अपना वेट लॉस करना है और उसको ज़रूरत है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, फिर लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन में लोग का वेट अक्सर गेन हुआ है यहाँ पे, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं जिनको स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस के साथ साथ वो अपना वेट लूज का कैसे डाइट मेंटेन रखें और ये सारी चीजें कैसे लेके चलें। हाँ स्ट्रेस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया में हर कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ को उसने ट्रिगर किया। उसकी वजह बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है, मुख्तलिफ फैक्टर ऐसे हैं, जैसे कि कुछ लोगों का बिजनेस बिल्कुल मतलब खत्म हो गया, खत्म हो रहा है, जो बिजनेस क्वेश्चन मार्क है, वो लोग जो जॉब पे चल रहे थे उनके लिए भी प्रॉब्लम है, वो लोग जो बिजनेस कर रहे थे उनके लिए, उनका इफेक्ट अल्टीमेटली ये पूरा इफेक्ट चेन आती है जो कि फैमिली पे इफेक्ट होता है, ठीक है। घर के बड़े सरबरा है, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे बिकॉज ऑफ द बिजनेस, तो वो बच्चे या फैमिली में भी उसका इफेक्ट आएगा, नंबर वन। नंबर टू, स्पेशली हमारे घरों में खवातीन, लड़कियां या मदर्स जिनके बच्चे स्कूल जा रहे थे, बीकना लकास बड़े बड़े जो जितने भी अच्छे टॉप के स्कूल जा रहे हैं, उन सबके बच्चे जो है ना इस टाइम घर बैठ गए, ठीक है। और घर बैठ के, और घर बैठने की वजह से अब उन माओं को, उन मदर्स को स्पेशली ब्रेकफास्ट लंच और डिनर पहले स्पेशली बनाना पड़ता था, रमजान से पहले डबल स्ट्रेस। जब वो मेरे पास आती थी तो पहली थोड़ा सा उनके ऊपर बर्डन ज्यादा होता था, और कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, काम बंद हो गए, हस्बैंड भी घर पे हैं, घर में जो दो फर्द 5 से 10 फर्द पहले सुबह से शाम तक बाहर जाया करते थे, अब वो घर पे मौजूद है सारा दिन, बच्चे वो भी घर पे मौजूद है, तो किचन जो है वो हमारा डबल ट्रिपल टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से जो एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो प्रेशर लोड बहुत ज्यादा पड़ गया हमारी मदर्स के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, और स्पेशली खवातीन के ऊपर। तो उस सिचुएशन के अंदर अगेन अब आप एक टाइम आ चुका हुआ है, एक सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जो कि एक समझ लें कि पूरी दुनिया के लिए नहीं है। अब इससे लोग ये कहते हैं अगर तो घबराएंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस होगा, अब उससे आपने सीखना क्या है। नंबर वन, वो मेल जो कि जिनका बिजनेस है प्रॉब्लम में करा गया, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन वो ढूंढ सकते हैं कि प्लान बी क्या करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या फाइंड आउट करें, नए प्लान क्या फाइंड आउट। देखो जहां पर दुनिया के बिजनेस बंद हो रहे हैं वहां पे इकोनॉमिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन जो चीजें हैं वो बूस्ट कर रही है, ठीक है। नई अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा आ रही हैं। अगर आप थोड़ा सा सोचें
थोड़ा सा अटेंशन दें थोड़ा। अब ऐसे ही लोगों ने दुनिया में ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन स्टडीज का फोकस नहीं किया था, अब उनको मजबूरन आना पड़ रहा है, ऐसे ही है, वो भी आ रहे हैं कि अब आएंगे। इसी तरीके से आप अपने बिजनेस मॉडल को इस तरीके से लेके आए कि आप थोड़ा सा ऑनलाइन या नई अपॉर्चुनिटीज को सोचें, उनके बारे में फोकस करना सीखें। और फीमेल के लिए घरों में जो बच्चे घर पे मौजूद हैं जिनको पहले ही थोड़ा सा स्ट्रेस है काम का, वो टाइम मैनेजमेंट सीखें। टाइम मैनेजमेंट में सबसे मैनेजमेंट आती है आपकी, क्योंकि बेगम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट करना। अगर उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रहेगी, हमेशा डिप्रेशन में रहेगी, हमेशा वो काम से थकी हुई रहेगी, क्योंकि अपने को टाइम कभी नहीं दे सकेगी। बच्चों का टाइम मैनेजमेंट करें, बच्चों की डाइट का मैनेजमेंट करें, बच्चों की स्लीपिंग रूटीन को विद द कोरोना एंड लॉकडाउन स्लीपिंग रूटीन को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, नंबर बिल्कुल वन। नंबर टू, अपनी कुकिंग को इस तरीके से मैनेज करें कि घर में हस्बैंड को, फैमिली को या बच्चों को इन्वॉल्व करें कुकिंग के अंदर, उनको सिखाएं। अगर घर में आपकी बेटियां ऐसी हैं जो कि यंग है, बहनें ऐसी हैं जो कि यंग यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं जा रही, 6 महीने के लिए वैसे ही बंद है सब कुछ, तो घर पे रहते हैं, उनको इन्वॉल्व करें। इट्स द बेस्ट टाइम टू मेक देम इन्वॉल्व इन टू लाइक लर्निंग एंड गिविंग देम कुकिंग स्किल्स, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा सा बोझ डाल लें, उससे आपका बोझ कम होगा, ठीक है। फिर आप अपनी थोड़ा सा हेल्थ को फोकस दें, अपने लिए खाने के ऊपर बनाएं, अपने लिए हेल्दी बनाएं, अपने हस्बैंड अपनी फैमिली को ऐसा सा पूरी एक टीम के साथ लेके चलें, बिल्कुल और उसको जिंदगी में पॉजिटिव साइड पे आपने लाजमी फोकस करना है कि इतना कुछ हो रहा है तो डिप्रेशन नहीं लेना, डिप्रेशन लेने से आता है। जिस तरह नींद जो है, हम हमेशा कहते हैं नींद हमें क्यों नहीं आती, नींद कभी भी नहीं आती, नींद को हमेशा चेंज करना पड़ता है। स्लीप आपको कभी भी नहीं आती, स्लीप के लिए रूटीन बनानी पड़ती है। इसी तरीके से स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ता है। स्ट्रेस अगर आपके ऊपर है, बर्डन है, तो ऑफलोड करें कुछ काम। वो लोग जिनको ओसीडी था, जिनको पहले एंग्जायटी के अटैक्स पड़ते थे, जिन लोगों को पहले ही जो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे थे इस सिचुएशन के अंदर, उनके लिए कि वो ऑनलाइन अपने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उनकी हेल्प लें। ऑनलाइन लोगों की आपके मरहम के प्लेटफॉर्म पे डॉक्टर्स जो हैं, साइकोलॉजिस्ट, वो अवेलेबल हैं, ठीक है, ऐसे ही है, आप वो ले रहे हैं, बिल्कुल आप वो कॉल कर सकते हैं, हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, आप उनसे अपनी प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर नहीं होता तो थोड़ा सा सब्र और शुक्र, हमारी जिंदगी में सब्र और शुक्र दो चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं। सब्र हमेशा हमें नमाज पढ़ने से एक नंबर वन आता है, ठीक है, हम नमाज पढ़ें अपनी टाइम को, उसको हेल्थ को सब नमाज को टाइम दें। दूसरा जो सब्र है वो चीजों को, पेशेंस जो है ना, वो चीजों को स्टेप बाय स्टेप करने से आता है कि एक चीज एक टाइम पे एक काम करें, बहुत ज्यादा काम ना करें। जो शुक्र गुजारी है वो हमारी जिंदगी में हमेशा अपने से नीचे वाले को देख के शुक्र गुजारी आती है, अपने से ऊपर वाले को देखेंगे तो हमेशा शुक्र गुजारी का एलिमेंट नहीं आएगा, वो हमेशा कंपैरिजन आएगा। तो अपने से नीचे वाले को देखें, उससे आपके अंदर एक शुक्र गुजारी का, ग्रेटिट्यूड का जो है ना इफेक्ट वो आएगा। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही है ये, और ये सबको इस चीज के ऊपर रहना चाहिए, सोचना चाहिए इस बारे में। जो भी बात उन्होंने कही है, इट्स वेरी वेरी गुड। मैं भी इस चीज पे बिलीव रखती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, या आपको लगता है कि आप वो वाहिद हैं जिसके साथ ये सब हो रहा है, तो प्लीज ऐसा मत सोचे। अपने से नीचे तक लोगों को देखें जिनके पास आज खाने को कुछ नहीं है, तो आपको अपना बिल्कुल आप बहुत ऊपर महसूस होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एटलीस्ट ये चीजें तो हैं। मेरी प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटी हैं, अगले की जरा ज्यादा बड़ी। तो ये एक बहुत बिल्कुल एक्सपीरियंस चीज है, और जब भी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि भाई अभी मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर मेरी मेरे साथ ये सब हो रहा है, तो आई इमीडिएटली रियलाइज कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपने से नीचे को लोगों को देखें जिनके और काफी सारे प्रॉब्लम। तो ईश्वर, अब बिल्कुल ठीक है। हम लोग के पास एक प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया, प्रोटीन पाउडर बेनिफिशियल और हार्मफुल। हेरा रजाक ने पूछा है कि हमारे जो प्रोटीन पाउडर्स हैं वो बेनिफिशियल हैं या हार्मफुल हैं, किस तरह से? अच्छा जो प्रोटीन पाउडर्स, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रोटीन पाउडर्स को हार्मफुल, मैं हमेशा सप्लीमेंट जो है ना, सप्लीमेंट्स मतलब नॉर्मली आप सप्लीमेंट की कैटेगरी में आता है कि सप्लीमेंट जो है ना आप तब लें जब आपका डाइट का एक तरह, मैं अपना चार्जर कनेक्ट कर दूं। अच्छा सप्लीमेंट जो है ना, मैं हमेशा क्लाइंट्स को एक चीज बोलता हूँ कि सप्लीमेंट्स की तरफ कभी भी ना जाए फर्स्ट फेज के अंदर। सप्लीमेंट तब लें जब आपका जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स है या ये वाले सप्लीमेंट्स हैं उनकी तरफ आप तब जाएं जब आपका 4-5 साल से एक्सरसाइज का रूटीन है, 4-5 साल से आपकी वॉक एक्सरसाइज की रूटीन है, आप सप्लीमेंट्स को जानते हैं, डाइट आपकी बहुत अच्छी है, देन सेकंड फेज आपका इस तरह के सप्लीमेंट को कंसिडर करने का हो सकता है। फॉर बिगिनर्स, जो लोगों के लिए बिगिनर्स पे जाते हैं और लोग कभी भी सप्लीमेंट के ऊपर ना जाए, फूड इज द रियल सोर्स, फूड का ऑल्टरनेटिव लॉन्ग टर्म सप्लीमेंट नहीं हो सकता। ये स्टडीज भी हैं, डॉक्टर भी समझते हैं, जानते हैं, हम
एज ए हेल्थ प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट सब इस चीज को समझते हैं कि जो कभी भी जो है ना रियल टाइम फूड का सोर्स जो है ना वो सप्लीमेंट यूज होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आप एक्सरसाइज से पहले ले लें या बाद में ले लें, दो टाइम है आप, लेकिन अपने डॉक्टर से अपनी हेल्थ को चेक करते हुए और सेफ गाइडलाइन के साथ लें, ऐसी बिला वजह के किसी ने कह दिया तो बस लेना शुरू करते हैं, आई डोंट सजेस्ट। ओके, सो वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, वी आर ट्राइंग कि हम सबको जल्दी जल्दी से आंसर कर सकें. सो एक सवाल है कि इज इट पॉसिबल कि रमजान के अंदर वेट गेन भी हो सकता है? जी, जो लोग कुछ अब जहाँ लोगों को प्रॉब्लम है कि वो वेट लॉस की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका वेट बढ़ता नहीं है और जो उनकी डाइट ठीक है, मे बी कोई टाइम लैप ऐसा हो जो वो नहीं टाइम के ऊपर अपनी डाइट प्रॉपर ले, लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपका वेट गेन हो सकता है, ऐसे बिल्कुल भी रमजान में, इट ऑल डिपेंड्स। देखें, रमजान का मतलब नहीं है कि रोजे रखें आप भूखे हैं, लेकिन आप इफ्तारी और सहरी उसके दरमियान में पूरे दिन का खाना एक ही टाइम खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा और ज्यादा खाएंगे आप। जैसे कि आपने मिल्कशेक भी चढ़ा लिए, आपने समोसे पकौड़े भी चढ़ा लिए, आपने सॉफ्ट ड्रिंक, फिर आपने डिजर्ट मीठा भी चढ़ा लिया, हलवे भी चढ़ा लिए, फिर रोटी चावल भी आप खाई जा रहे हैं, तो आपका वेट गेन होगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी ओवरऑल कैलोरी इनटेक जो है वो इफ्तारी और सहरी के दरमियान जो है अगर वो ज्यादा है तो फिर आपका वेट गेन होगा, चाहे वो रोजे हों चाहे ना रोजे। आप सारा दिन भूखे हो, एक दिन खाना खा रहे हो पूरे दिन में, लेकिन वो पूरे का दिन का खाना जो है वो 3 दिन के खाने के इक्वल है, तो आपका वेट गेन। ठीक है. हमारे पास नेहा का कमेंट आया है, प्लीज ऑल्सो गिव सम टिप्स फॉर थायराइड पेशेंट्स. हाँ, एक एक नेहा के थायराइड से रिलेटेड, देखो थायराइड का लास्ट टाइम मैंने ना एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू किया था। सबसे पहले तो आपको थायराइड से रिलेटेड कोशिश करें, हमारे यहाँ एक कोशिश होती है लोगों की, अगर आपको कोई हॉर्मोनल का इश्यू है तो लोग उनको एक दो डाइट डॉक्टर के पास जाते हैं, डाइट फॉलो की और उसके बाद जो है ना वो कहते हैं कि बस खुद ही ठीक हो। आप अगर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो कि स्पेशलाइज हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में थायराइड के पेशेंट्स को, एक तो उसके पास रेगुलर उनके मेडिकेशन लें अगर आपको क्रॉनिक है, नंबर टू डाइट के अंदर आपने नॉर्मली अपनी डाइट के अंदर जितने भी सॉल्टी फूड हैं उनका सॉल्ट इनटेक जो है ना वो बैलेंस रखना है, नंबर टू अपनी डाइट के अंदर होल ग्रेन जो है ना या वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन जो है जैसे आटा हो सकता है, होल ग्रीन राइस हो सकते हैं वो इस्तेमाल करें, जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखें, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिसके अंदर हमारे सलाद के पत्ते हो गए, शलजम होगी, ब्रोकली होगी, स्पिनच होगी, अगर आप गूगल पे जाएं तो वहां पर आपको पीज हो गए, वो वाली सब्जियां जो कि डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये बॉडी के अंदर आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और एक रूसीफ्रस वेजिटेबल्स होती हैं जो कि ग्रीन डार्क ग्रीन होती है, उनका इस्तेमाल जो है अपनी डाइट के अंदर ज्यादा करें, और थायराइड के अंदर 4 से 5 चीजों से आपने अवॉइड करना होता है, अगेन बहुत ज्यादा कॉफी, बहुत ज्यादा अगर आप दूध डब्बे वाला दूध पी रहे हैं या दूध जो है थोड़ा सा उसको कम कर दें, क्योंकि दूध के अंदर भी थायराइड को ट्रिगर करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं। देन नंबर थ्री अपनी डाइट के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा, फ्राइड आइटम, उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें। ओके, तो ऊपर से आपके सो क्वेश्चन थे, हाँ, वी आर गोइंग टू एंड आवर लाइव सेशन. सो अगर आप भी कोई क्वेश्चंस जो आपको लग रहे हैं इम्पोर्टेंट हैं तो आप एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज आपके साथ ही खुले हैं सामने क्वेश्चन, अच्छा अगर आप मेरे चाहते पास हैं तो काफी, एड्रेस हाँ भी खुले. इससे काफी लोगों के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उसमें कह रहे हैं कि मेरा वेट 55 हाइट है सर, 5 फीट 3, मुझे में क्या डाइट लेने चाहिए? आपका वेट 55 है और हाइट जो है आपकी 5 फीट है, तो आपको डाइट के अंदर बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका वेट जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज के अंदर 3-4-5 kg मैक्सिमम कम करें और वो डाइट को थोड़ा ऊपर नीचे करके काम कर सकती हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। नेहा का भी क्वेश्चन था, एक्सट्रीम एक्सरसाइज शुड नॉट बी डन इन रमजान, यस यू शुड नॉट डू एनी एक्सट्रीम डाइट और एक्सरसाइज और एनी फिजिकल एक्टिविटी इन रमजान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड प्री डायबिटिक फास्टिंग 130 अराउंड 170 हाइपोथायरायडिज्म दे व्हाट शुड आई कीप एंड ऐड। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है कि वो हाइपोथायरायडिज्म है उनको और वो प्री डायबिटिक में है। देखो, हमारा अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को विजिट करो, डॉक्टर को विजिट करो, उसके साथ डाइट के अंदर मैंने थायराइड से रिलेटेड पहले भी कुछ डाइट बताई है, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो। प्रोटीन पाउडर का रिगार्डिंग मुरिंगा पाउडर का एक बड़ा नेहा का क्वेश्चन है कि मुरिंगा पाउडर लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखिए, मुरिंगा पाउडर हमारी हिस्ट्री के अंदर हर 5-10 साल के बाद कोई ना कोई चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलती है, इसमें एप्पल साइडर विनेगर हो गया, मुरिंगा पाउडर हो गया, चिया सीड्स हो गया, उसके अंदर ग्रीन टी होगी, कॉफी होगी, यूज देसी हैं,
यू विल लूज लाइक दिस इतने पाउंड्स के साइंस एविडेंस स्टडीज इनके बैक पे क्या कहती है कि देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मोरिंगा पाउडर. यस मोरिंगा पाउडर के हेल्थ इफेक्ट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसमें, बहुत से केमिकल्स होते हैं जिनका आपकी बॉडी को फायदा होता है, लेकिन उससे क्या वेट कम होता है बहुत ज्यादा ऐसा बिल्कुल नहीं है. हाँ, उसको उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज हैं उसके तौर पे इस्तेमाल करें. ग्रीन टी आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है, डाइजेशन आपकी ठीक होगी तो आपका वेट भी कुछ पाउंड में कम होगा, लेकिन अगर आप खाना नहीं खा रहे, डाइट नहीं प्रॉपर ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ग्रीन टी और सॉफ्ट ड्रिंक और बर्गर के बाद ग्रीन टी पिए जा रहे हैं, उस ग्रीन टी का भी कोई फायदा नहीं है. ठीक है, इसी तरीके से आप कॉफी जो है, कॉफी बस आप पिए जा रहे हैं, पिए जाने के उससे वेट कम होता है, लेकिन कॉफी आपके ब्रेन को एक्टिव करती है, आपकी स्लीप को डिस्टर्ब भी कर देती है, और सारा दिन 10-5-6 कप कॉफी पीने से आप भूख खत्म हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, स्लिम लटक जाएगी, और आपके बाद जब छोड़ेंगे उसको फिर कॉफी के विड्रॉल होंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट होंगे. तो जो चीज जिसके लिए बनी है उसको उसके तौर पे यूज करें तो बहुत आपको फायदा देती है. हमने काफी सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं और जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं हम उनमें जो है वो डेफिनेटली उनके भी आंसर करेंगे. हम मुदसर को उनके अंदर टैग कर देंगे, डेफिनेटली वो कमेंट्स के थ्रू उनका आंसर दे देंगे. और अब हम अपना लाइव सेशन एंड करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. मैं आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ आए, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. एंड मैं जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज और अनाउंसमेंट आपको दे दूँ. मैसेज मेरा सेम है कि प्लीज अपना और अपने घर वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और इस लॉकडाउन का एहतराम करें. ये आपके लिए ही है, किसी दूसरे तीसरे इंसान के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए. तो अगर आप महफूज रखेंगे खुद को तो आप दूसरों को भी रख सकते हैं. सो द सेकेंड अनाउंसमेंट आई एम गोना मेक इज कि हम लोग की रमजान सीरीज स्टार्ट होंगे जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एपिसोड्स की सूरत में मौजूद है. हम लोग की 2-3 एपिसोड हो चुके हैं. सो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो अब देखना स्टार्ट कर दें. आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक बेनिफिट होगा उन एपिसोड्स का. और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आता रहे. सो जाने से पहले मैं मुदस्सर, बिल्कुल मैं आपको आपकी तरफ ही आ रही हूँ कि मैं चाहती हूँ आप एक छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस को दें. हाँ, मेरी तरफ से मैसेज ये है कि मेक श्योर अगेन रमजान के अलावा भी लॉकडाउन है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें. आपकी हेल्थ, वेट लॉस, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ ये बहुत काउंट करती है. इन चारों के ऊपर काम करें, सिर्फ वेट लॉस के ऊपर काम ना करें. वेट लॉस भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बाकी भी सारी इंपॉर्टेंट है. इफ यू नीड अपॉइंटमेंट आप मरहम के प्लेटफॉर्म पे जाकर मेरी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं. एट उमर हॉस्पिटल जे रोड फैसलाबाद में भी, और वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स अभी भी अवेलेबल रमजान में भी. प्लस यू कैन गो ऑन माई फेसबुक पेज एट मिस्टर अली फिटनेस प्रो, उसको भी लाइक कर सकते हैं, एंड यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आई एम पोस्टिंग डेली वीडियोस एंड अपडेट्स. So it was wonderful और बड़ा अच्छा feedback रहा, बड़े अच्छे question थे. Thank you so much, मरहम. Thank you so much. Thank you. हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए live session के साथ और कुछ नए topics के साथ. Thank you so much for joining. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.